रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज हम बना रहे हैं बकरे का गोश्त, और इसको मैंने अच्छे से धो के लाई हूँ। और इसके अंदर क्या करना देगा, ये 2 अदद बड़े प्याज थे, ये लहसुन है, टमाटर और सब्ज़ और लाल मिर्च कूट के डालेंगे इसके अंदर। ये मेरी पप्पो जान की रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, अपनी सासू माँ की रेसिपी। तो अभी सिर्फ गोश्त उबालने के लिए इसमें लहसुन और प्याज जाएगा और हसबे ज़रूरत नमक जाएगा। ये देखें जी, मैंने लहसुन और प्याज डाल दिया। अब डाल के इसमें हसबे ज़रूरत पानी जिसमें गोश्त गल जाए। बिल्कुल ठीक है, आप जला लेते हैं आग और गोश्त को रखते हैं बाहर चूल्हे के ऊपर। तो ये देखें आग मेरी जल गई है, ऊपर रख लिया जी। आज हमने कटिया तवा जिसके ऊपर हम रखेंगे ये प्रेशर अपना गोश्त को गिलाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये बनेगा तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा गलते हुए इसको, तो फिर इसको भुनेंगे। तो जी गाइस, हमने आज बनाने थे गोश्त, आलू गोश्त, और साथ बनाने हैं चावल। चावल जो है ना, हमने सफ़ेद बनाने हैं, इसलिए चावल मैंने साफ़ कर लिए, इसको धोने लगी हूँ। तो फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अल्लाह माफ़ करे, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना बाहर, क्या बताऊँ आपको। ये देखें जब मैंने 200 किलो की भी आग बना ली है, उधर रखी है जी चावल, और इधर हमारा प्रेशर को 15 मिनट हो गया, 10 मिनट और वेट लगेगा, फिर इसको उतार के देखते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है चावल, और हंडिया मेरी बाहर है, तो यहाँ पे दूध गर्म कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्लाह है, बारिश आ जाए, आज थोड़ा मौसम चेंज हो, लग तो रहा है आज मौसम की चेंजिंग होगी, पता नहीं। अब हमारे यहाँ तो अब हवा चलनी शुरू हो गई है। तो ये देखें जी, दूध तो हो गया गर्म, अब हंडिया भी उतार के देखते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए उसको कि गोश्त गला है कि नहीं, तो फिर उसकी करते हैं बुनाई। तो जी ये मैंने उतार दिया प्रेशर अब नीचे, अब देखते हैं कि ये कितना फटा है। और यहाँ पे मेरे चावलों का पानी भी गर्म हो गया। अब डालते हैं चावल। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गोश्त मेरा बिल्कुल दान है कि गल गया। अब जो इसके अंदर यहनी है उसी के अंदर सब टमाटर और नमक मिर्च डाल के इसको अच्छे से भूनते हैं, तो फिर आलू भी ऐड करते हैं इसके अंदर। तो ये देखो बस पानी हो गया, बिल्कुल गर्म उबाले आ रहा है, और इसके अंदर भी टमाटर और मिर्च, ज़ीरा, हल्दी वगैरह डाल दी है, काली मिर्च भी डाल दी है। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें आप। ये देखेंगे, अब मैंने डाला है 1 ही अदद आलू काटा है वो डाला है, क्योंकि आलू गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये देखेंगे मेरे चावल भी बन गए, और माशाल्लाह हंडिया भी भून लिया। अब इसके अंदर डाल दें हंसते जरूरत पानी, जितना हमें स्वाद इसका शोरबा चाहिए चावलों के साथ। ये देखें जी, मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, अब आलू भी गल जाएंगे और शोरबा भी थोड़ा पक जाएगा, फिर फाइनल लुक इसके आपके साथ शेयर करते हैं। और चावल मेरे ऑलमोस्ट डन है, अब इनका पानी उतारते हैं चावलों का।